स्टाफ मेंबर दूसरे थे उन्होंने भी इसको टेस्टिफाई किया कि हाँ सर हमारे सामने हुआ है ये और हमने हटाने की काफ़ी कोशिश की और दोनों को अलग किया। ये इनके पर्सनल इश्यूज हैं और जो अगर स्टाफ की माने तो ये पहले भी इनके बीच में ये होता रहता है, ऐसी छोटी मोटी बहस वर्बली भी चलती रहती हैं, तो इस बार ये बहुत ज़्यादा हुआ है। फिरोजपुर कैंट के जनरल हस्पताल की एक वीडियो सामने आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है जिस विच एक व्यक्ति ते औरत आपस विच हथों पाई होंगे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो विच साफ दिखाई दे रहा है कि ये किवें एक दूसरे से थपड़िया की बरसात कर रहे हैं। हस्पताल के दूसरे कामों तो मिली जानकारी अनुसार इन्हां दी आपस विच पहला तो ही लगती सी ते इसे रंजिश दे चलदिआं इन्हां दी अज लड़ाई हो गई। इस वीडियो मामले विच सीनियर डॉक्टर भारत भूषण नाल जदों गल्लबात कीती गई तां उन्हां कहा कि उन्हां नूं इह मामला ध्यान विच है। उन्हां वल्लों इस दी रिपोर्ट बना के सीनियर डॉक्टरां नूं भेज दित्ती गई है ते दोनों नूं फिलहाल सस्पेंड कर दिता गया है। मामला मेरी नॉलेज में था और ये जो हुआ इंसिडेंस ये सैटरडे को अर्ली 9:15 के करीब हुआ है, तो मंडे को मेरे को इसके बारे में पता चला जब 10:30-11 बजे ये जो आंचल है जो हमारी स्टाफ मेंबर है कंट्रेक्चुअल है एनएम और इसके साथ इसकी मदर और साथ में दो और स्टाफ मेंबर जो ग्रुप और दीपिका मेरे रूम में हैं। आंचल की मदर ने मेरे को कंप्लेंट की कि आपके हॉस्पिटल में जो साहब भट्टी रेडियोग्राफर है उसने मेरी लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसके बाद मैं जो स्टाफ मेंबर दूसरे थे उन्होंने भी इसको टेस्टिफाई किया कि हाँ सर हमारे सामने हुआ है ये और हमने हटाने की काफ़ी कोशिश की और दोनों को अलग किया। तो मैंने फिर जो हमारा स्टाफ है आंचल है उसको मैंने बोला कि आप मुझे लिखित में इसकी कंप्लेंट की कॉपी दो, मैं सीओ मैडम से बात करूँगा। और उसके बाद मैंने उनकी मदर को श्योर किया कि हाँ मेरे को इंक्वायरी करके मैं आपको जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैंने जो ग्रुप को बुलाया जो स्टाफ नर्स थी कि ये कहाँ पे हुआ इंसिडेंट, क्योंकि उनके सामने हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पे हुआ, तो उन्होंने बोला कि रूम नंबर 5 में स्पेशलिस्ट ओपीडी में हुआ है। तो वो जो रूम है हमारा अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस है, तो उसमें मैंने उस टाइम की वीडियो निकाली और उसको सेव की मैंने वीडियो, जो कि अपने सीओ मैडम के साथ मैंने शेयर कर दी है। और उसमें जो भी आप वीडियो आपके पास है आप देख रहे हैं दोनों में हाथों सर, ये कोई झगड़े की कोई पता लगे हाँ, क्या ये हॉस्पिटल का कोई मैटर नहीं है, इसमें हॉस्पिटल का कोई रिलेशन नहीं है और ये इनके पर्सनल इश्यूज हैं। और जो अगर स्टाफ की माने तो ये पहले भी इनके बीच में ये होता रहता है, ऐसी छोटी मोटी बहस वर्बली भी चलती रहती हैं, तो इस बार ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसका मैंने मैडम के संज्ञान में कल ला दिया था और आज मैं अपनी लिखित रिपोर्ट जो है मैडम को सबमिट करने जा रहा हूँ, उसके बाद भी जो मैडम उचित कार्रवाई है वो मैडम करेंगे। तो सर एक बार दोनों कर्मचारियों को यानी कि ड्यूटी से आने से मना कर दिया गया? हाँ, दोनों उनको उनकी ड्यूटीज वापस ले ली गई हैं और फिलहाल उनकी ड्यूटीज को सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक तो कोई फर्दर इंक्वायरी में जो भी कार्रवाई बनेगी उसके बाद देखा जाएगा। ये दोनों एएनएम थे, एक रेडियोग्राफर था कंट्रेक्चुअल था और दूसरा था एएनएम, जो आंचल थी वो एएनएम। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਰੰਜਿਸ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਖਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बणके, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज,
बनांगे बुलंद आवाज। खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल। की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल। धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।